Hello students, I am Rachit here and I am welcoming you to the Student Friend online classes. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी 6.1 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में डाला था, साथ में बेसिक डेफिनेशन का जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा दोनों वीडियोस का। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। यहाँ पर हमें गिविंग क्या है, तो हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक्स वाई एक लाइन है और एम एन एक लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स एक्स वाई एंड एम एन जो है वो दो स्ट्रेट लाइन है। साथ में एक रे हमारे पास पीओबी है, यहाँ पर मैंने ओली लिखा, ये पॉइंट का नेम है। ये जो ओ है ना, ये कोई एंगल का नेम नहीं है, बल्कि ये क्या है, इस पॉइंट का, जो बीच में पॉइंट बन रहा है ना, ये इसका नेम है। ठीक है, यहाँ से पीओ वाई इक्वल टू 90, मतलब हमें जो पीओ वाई है ये दिया गया है 90 डिग्री का, एंड ए रेशियो बी दिया गया है 2:3। अब आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते एक चीज आ रहे होंगे कि अगर कोई वैल्यू रेशियो में दी है तो उसकी वैल्यू को मानने के लिए हम एक क्या करेंगे, वेरिएबल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं एक वेरिएबल एक्स, मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इक्वल टू मैंने माना 2x एंड बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3x, बिकॉज ए रेशियो बी इक्वल टू कितना है 2:3। जब भी कोई रेशियो में वैल्यू दी हो तो उसको सेपरेट करने के लिए हम एक्स का यूज या एक अदर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो तीन वैल्यूज हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये तीनों जो एंगल्स हैं ये किसके ऊपर बन रहे हैं, एक्स वाई एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं। जब भी कोई एंगल किसी लाइन के ऊपर बनते हैं उसके पार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वी नो डैट ए प्लस बी प्लस जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री का भी मैं नेम लिख देता हूँ, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू होगा 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। आखिर ये क्यों होगा 180, तो ये लीनियर पेयर की वजह से 180 होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एक लाइन पे बन रहे हैं एक एंगल। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यूज को रख लेते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 2x प्लस बी की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास 3x, पी ओ वाई की वैल्यू है 90 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर आ गया 180। सॉल्व कर लेते इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन है, x की वैल्यू पता करनी है हमें। यहाँ से आ जाएगा 5x इक्वल टू 90 माइनस 180 इक्वल टू 90, x इक्वल टू आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 5, इसको कट कर देते हैं तो 5 × 5 = 40। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18 डिग्री। जब x इक्वल टू 18 है तो a और b की वैल्यू भी हम पता कर लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी होगी 2x, या हम कह सकते हैं 2x में वैल्यू रखेंगे तो 18 × 2 = 36। ठीक है, यहाँ से आएगा b, b की वैल्यू होगी 3x, इसको लिख सकते हैं हम 3 × 18 4, ये दो वैल्यू हो गई। हमारा जो लास्ट टारगेट है, हिट टारगेट है, वो है सी की वैल्यू को पता करना। मीन्स हमें लास्ट सी की वैल्यू को ही पता करना है सिर्फ। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, हमें ए मिल गया बी मिल गया। सी के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है देखो जी एम एन लाइन भी एक सीधी लाइन है, जो एम एन है वो भी क्या है स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बने हुए ये दोनों एंगल का प्लस भी कितना होना चाहिए 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं अगेन, क्या लिखना है हमें, एम एन इज लाइन, एम एन इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एम एन क्या है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा क्या होगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होगा 180 के बराबर। तो यहाँ बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, वापस से हमने वही प्रॉपर्टी यूज की है लीनियर पेयर की, तो इन दोनों का प्लस इक्वल टू 180। बी की वैल्यू हम पता कर चुके हैं 54 है, 54 प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा 180, तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 126, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। एनी डाउट, आई थिंक कोई डाउट नहीं होंगे, फिर भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप डाउट पूछिए जहां पर भी, आप जिस लाइन पे डाउट होगा मैं वो लाइन आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी वीडियो के साथ, इस क्वेश्चन के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर एक चीज और मैं बोलूंगा, आप इसमें से पता किसी की भी वैल्यू पता कर सकते हो। अभी भी देखो तीन वैल्यू पता चल चुकी है, सी बी ए, 90 सिर्फ हमारा रह कौन सा गया है ये वाला। अब बेचारे को क्यों अकेला छोड़े क्वेश्चन में, हालांकि नहीं पूछा है, लेकिन अगर हमें निकालना होता तो क्या करते, तो सिंपल सा काम था, वी की वैल्यू में 54 पता है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कट कर रही है, स्ट्रेट लाइन जब कट करती है तो ये कौन से एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इन दोनों का प्लस ये दोनों जो होंगे वो आपस में क्या होंगे इक्वल, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 54। इस तरीके से इजीली इसको भी पता कर सकते थे। ये क्वेश्चन हालांकि दिया नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज तो जरूरी है ना, कुछ चीजें पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।